नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदी नगर में संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी फरियाद लेकर आए मृतक सुशील कुमार की मौत के बाद नीरज त्यागी के साथ सैकड़ों त्यागी समाज के लोगों ने तहसील में उप जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचकर एक ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया, जिसमें मृतक की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से होनी चाहिए। मृतक के परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। यदि प्रशासन इन सभी मांगों को लेकर गंभीरता से विचार नहीं करते तो त्यागी समाज और ग्रामीण मिलकर सड़कों पर उतर जाएंगे और इसकी जिम्मेदार प्रशासन होगा। जो प्लॉट वाला, तो वहाँ अगल बगल पूरी आबादी है। सड़क में उनका रकबा जा रहा था, लगभग 5.8 चल रही है मौके पे, जो सड़क चक्रोड़ चल रही है, और नक्शे पे हमारी 2.5 है, तो जो 25-30 साल से पहले से चल रही है। प्रधान भी आपको बता सकते हैं उन गाँव के। उसके बाद पैमाइश, मतलब उस समय चूंकि अगर सहमति नहीं होती पक्षों की तो हम लोग तुरंत ऐसे कब्जा नहीं करा सकते यदि विरोध होता है। तो मौके पे तो पटवारी गए थे, इस बात की पुष्टि वहां के लोग भी कर रहे हैं, और दोनों बार गए थे। दूसरी बार विजय भाई, तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया धारा 24 के लिए, वो हमारे न्यायालय में होती है, जो कि उनके द्वारा हमारे न्यायालय में नहीं भेजा गया था। लेकिन फिर भी अगर उनकी कोई समस्या थी तो हम लोग अगर संज्ञान लिए हैं उस चीज का, हमारे पास आए तो ऐसा नहीं है। और दूसरा पटवारी का ये था कि मतलब उसने ये चीज संज्ञान में लानी चाहिए थी हम लोगों के, इसी वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया कि अगर दोबारा कोई व्यक्ति आए तो दोबारा से, मतलब हम लोगों की संज्ञान में लाते कि हाँ ये दोबारा एप्लीकेशन आई है, इसमें थोड़ा विशेष किया गया है। किसी को दोबारा नहीं होनी चाहिए कि अति हो रही है इस टाइम, और ये फिलहाल इस घटना पर कंसंट्रेट कर रहे हैं हम लोग। जो हमारी मांग है, जो पटवारी जो भी सस्पेंड करा आपने या जो ऊपर का जो भी कोई अधिकारी है, हत्या का केस दर्ज होना चाहिए जांच के उपरांत। ये समझ लीजिए किसी की जान गई है, कोई मजाक नहीं है। और समाधान दिवस में अगर किसी आदमी ने जान दी है तो इससे बड़ा शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती। तहसील दिवस में एक आदमी ने अधिकारी के सामने हाथ काट लिया और उसको, मुझे नहीं लगता उसको समय पर अस्पताल भी पहुंचाया गया, वरना उसकी जान बच सकती थी। सारा प्रकरण किस तरीके से होता है, सबसे समस्या हम लोग अधिकारी कर रहे हैं अपनी जगह काम, लेकिन जो निचले स्तर पर जो गड़बड़ चल रही है उस पर कुछ नहीं हो पा रहा। लेखपाल और जो जितने भी पटवारी हैं, इन पे कोई नकेल नहीं है किसी की आज की डेट में। यहाँ पे जितने खड़े ना, इसमें एक एक आदमी गवाही दे देगा, तो ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। समाज बनता, गांव बनता, भाई रूल फॉलो करते हैं। नहीं, डेथ हो चुकी थी तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं रहा होगा। नहीं नहीं मैडम, उन्होंने मांगा ही नहीं, वो आज तक नहीं घर नहीं गई, उन्होंने फोन नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने मैडम दोबारा, आप यहाँ पे अधिवक्ता खड़े हैं, मेरी आज भी बात हुई है, उसने कहा मेरे से बात ही नहीं ले रहे हो तो आप फिर उसी के ब्याह पे बना दो। फिर आप कहते हो कि भी आपकी इतनी सैलरी नहीं, इतनी है, आप उनसे अलग से पैसे मांगते हो, उनका कई कई महीने के लिए डिले कर देते हो, और फिर जब हम बात करते हैं तो कहते हैं अरे त्यागी तुम तो जानते हो पैसा सब जगह जाता है, हम तो उसका क्या तात्पर्य है मैडम? ग्रामीण सुशील त्यागी द्वारा हाथ की नसें काटकर जान देने के संबंध में, जैसा कि विदित है, ग्रामीण सुशील त्यागी निवासी ग्राम डिडोरी ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार से शुद्ध होकर तहसील दिवस में अधिकारियों के समक्ष अपने हाथ की नसें काटकर जान दे दी। इस अत्यंत दुखद घटना से संपूर्ण त्यागी समाज व क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अगर जल्द ही दोषी लेखपाल या अन्य अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त त्यागी समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांगे, दोषी लेखपाल अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। दिवंगत श्री सुशील त्यागी के परिवार को 50 लाख का मुआवजे की हमारी मांग है, और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसी भी हमारी मांग है, क्योंकि जो उन्होंने दम तोड़ा है वो तहसील सभागार में कह लीजिए या तहसील के प्रांगण में दम तोड़ा है, तो समझ जिम्मेदारी सरकारी अमले की, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार की है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सरकार की भी, क्योंकि आप लोग सब सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। गाजियाबाद के मोदी नगर कोतवाली क्षेत्र के गदाना ग्राम निवासी विक्रम व उसका पूरा परिवार कई वर्षों से एक जमीन पर काबिज है। ग्राम के कुछ दबंगों द्वारा उस जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। जब इस बात की शिकायत संबंधित मोदी पोन चौकी प्रभारी के पास लेकर गए तो उनके मदद करने के बजाय उल्टे ही पीड़ित को धमकाना शुरू कर दिया। पीड़ित इस बात की शिकायत लेकर उप जिलाधिकारी के पास पहुंचा। पीड़ित ने उप जिलाधिकारी को न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दे डाली। उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश देते हुए जल्द ही समस्या का समाधान होने का आश्वासन पीड़ित को दिया। मकान योजना से बना हुआ और मुझे
सताया जा रहा है परिति चौधरी पुलिस चौक के, और उल्टे सुलटे जाते सुबह करते हैं और मुझे धमकाया जा रहा, और मैं घर से मुझे बाहर निकले हुए आज एक हफ्ता हो गया, मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी और 3 महीने में बराबर एप्लीकेशन चला रहा है देता हुआ, और मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मेरे झूठे मेरे नाम मुकदमे लिखे गए और मेरी कोई सुनवाई नहीं करी, ठीक है। गाजियाबाद के मोदी नगर SRM ISG द्वारा NSS शिविर के समापन समारोह का आयोजन किया। समापन समारोह की शुरुआत डीन कैंपस लाइफ डॉक्टर नवीन अहलावत, एडमिशन डीन RP महापात्रा, डॉक्टर आचर मिश्रा, डॉक्टर जितेंद्र के भाषण से हुई, जहां उन्होंने छात्रों को जागरूक किया। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।